हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। मेरा काम धाम टोटल एवरीथिंग मैंने सब छोड़ रखा है। मैंने भोजपुरी छोड़ दी, मैंने भोजपुरी ज़्यादा की नहीं, मैंने एक ही फिल्म की थी गैंग ऑफ सेवन, सब छोड़ दिया मैंने। 6 महीने के अंदर मैंने 9 पिक्चर छोड़ी है भोजपुरी, नहीं करनी। अच्छा होगा, अच्छा कास्ट होगा, वन शेड्यूल बनाओगे तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मेरा ध्यान सिर्फ मेरे इस हीरो पे है जो मैं इनके साथ में बना रहा हूँ। अब मल्टी स्टार है मगर बजट लिमिटेड है। जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर या एग्जीब्यूटर, लोगों को आज के डायरेक्टर को किसी को पता नहीं है एग्जीब्यूटर होता क्या है। लोगों को आधे आप इंटरव्यू लेते हैं, आप पत्रकार हैं, आप पूछिए एग्जीब्यूटर कहाँ मिलता है, उनको ये मालूम नहीं एग्जीब्यूटर मिलता कहाँ है। अब फिल्म बना रहे हैं और फिर बोलते हैं हमारी पिक्चर बिकी नहीं। कैसे बिकेगी बताइए। आज हमारी फिल्म लाइन में एक नया ट्रेंड चल रहा है, लाचन लगाना। लाचन लगाना अभी भी चल रहा है, बड़ी न्यूज़ चल रही है। अक्षर सिंह का मैंने देखा, पवन सिंह जी का देखा, अभी एक आज ही न्यूज़ आई है, वो गांधी जी के ऊपर सिंगर ने कुछ बोला है। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं। अरे आप पहले खुद बनो, कुछ बन तो जाओ, तब कुछ बोलो किसी को। पैदा हुए मैं ये पैदा होते नहीं है और दूसरा उस पर वो डाल देता है, उजड़ जाते हो, पता ही नहीं चलता। फिर बोलते हो फिल्म लाइन गलत है। फिल्म लाइन कभी गलत थी और ना होगी, कभी नहीं होगी। फिल्म लाइन गलत नहीं है, आदमी गलत होते हैं, इंसान। जो फिल्म लाइन के नाम पे देखिए पत्रकारों को बरकाया जाता है, पत्रकारों से झूठ बोला जाता है, एकेडमी खोल रखी है। हमारे ये हीरो जो 3-3, 4-4 पिक्चर करके बैठे हुए हैं, उनसे लोग बोलते अरे ये तो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप किसने किया? आपने अच्छी फिल्म बनाई क्या? मेहनत की उस करेक्टर के साथ में? क्या ड्रेसेज होगी, क्या जो पहन रखा, हाँ वही शॉट ले लो, वो कर लो। एक हीरो पे मेहनत कीजिए, उसकी लुक दीजिए। आपने कहानी लिखी है, चाहे आपने 4 दिन में लिखी है, 4 साल में लिखी है, 4 महीने में लिखी है, आप प्रेजेंट करिए। प्रेस वालों से पूछिए कि आपने कोई करेक्टर ऐसा यूज़ किया है, आपने किसी देखा है, मुझे बताइए उसका डिटेल्स क्या है। मैं हीरो ले आऊँ, इस करेक्टर को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। गाने कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, म्यूजिक का स्वयं सुनिए, कौन से राग में वो गाना रिकॉर्ड हो रहा है, डायरेक्टर को मालूम नहीं है, राइटर को मालूम नहीं है, खुद सिंगर को मालूम नहीं कौन से राग में वो गा रहा है। और फिर बोलते हैं, बोले राजू चौहान वो यार बहुत ईगोइस्ट आदमी है, बोलता है सब कुछ सुना डालता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप लोग बताइए। आप लोग इतना इंटरव्यू लेते थे डायरेक्टर, मेरे 12 असिस्टेंट भोजपुरी में डायरेक्टर हैं जिनको क्लैप मारना नहीं आता है। तो भोजपुरी भाषा गलत है, भोजपुरी फिल्म गलत है, या लाइन गलत है, या वो प्रेस में जो छापता है पत्रकार गलत है, वो सही बोलता है। प्रेस वाले सदा सही बोलते हैं, मगर कुछ प्रेस वाले भी उनकी बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं। 4 शो में से एक शो फिल्म नहीं चलती है और बड़े डायरेक्टर होते हैं और वो स्टार भैया के गोड़ पढ़ते हैं और भोजपुरी के स्टार डायरेक्टर हैं। सब लोग चीज़ें अच्छी चीज़ें करो। एक हीरो को ले रहे हो, एक हीरो पे 6 महीने काम करो, 2 महीने काम करो, 15 दिन तो काम करो भैया। नहीं 15 तारीख को तो आउटडोर जाना है, शूटिंग कर रहे हैं। ड्रेस क्या है भैया? हीरोइन कौन है? बोले कल पता चल जाएगा सर। हीरोइन का ही पता नहीं है, वो हीरो भैया बताएंगे। बोले कल फ्लाइट में हीरो के साथ में आ रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी हो, किसी को भी बच्चा पैदा होता है तो उसको, एक बच्चे को पैदा करने में माँ को और बाप को जीवन लग जाता है, तब बेटा बनता है वो। तब लोग उसको बोलते हैं कि वो फलाने का बेटा है। और फिर बेटा भी फिर वैसा रहना चाहिए कि वो बेटा है। मोदी जैसा, मोदी के लिए बोलते ना लोग, आज बेटा ऐसा होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।